नमस्कार दोस्तों बिजनेस समाचार में आपका स्वागत है भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो मिट्टी और जलवायु है विभिन्न प्रकार की फसल सब्जी की खेती फलों की बागवानी के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है यदि आप कृषि से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस को अच्छा स्टैंड कर सकते हैं अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं अच्छा सेलिंग कर सकते हैं कम बजट के साथ आप फार्मिंग करके या मैनुफैक्चरिंग बिजनेस करके अच्छी अर्निंग ले सकते हैं तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए आज की वीडियो में कृषि से जुड़े टॉप टेन बिजनेस के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा जिसमें बिजनेस की लागत मुनाफा और बिजनेस की जानकारी पूरा विस्तार से रहेगा तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए आइए दोस्तों देखते हैं मशरूम फार्मिंग मशरूम की खेती आप एक कमरे से भी कर सकते हैं कमरे का साइज 10 बाय 10 से जितना बड़ा हो सके साथ ही इस कमरे में हवा और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि कमरे का तापमान को नियंत्रण किया जा सके इसमें लगभग पचास से साठ हजार रुपए का लागत आ सकता है जिसमें कि यदि आप उत्पादन किए मशरूम को सेल कर लेते हैं तो ढाई से तीन लाख रुपया आसानी से महीने की इनकम ले सकते हैं मुख्यतः मशरूम की दो प्रकार की खेती किया जाता है बटन मशरूम और छतरी मशरूम मधुमक्खी पालन इस बिजनेस को आप 50 बॉक्स लेकर शुरू कर सकते हैं एक बॉक्स का खर्च तीन सौ से तीन सौ तक आता है या फिर इसे आप कारपेंटर से भी बनवा सकते हैं इस प्रकार करीब दो लाख रुपए का बिजनेस में लागत आएगी जिसे आप प्रति बॉक्स चालीस किलो शहद उत्पादन से 2000 किलो शहद प्राप्त करेंगे साढ़े तीन सौ प्रति किलो शहद बेचने पर सात लाख रुपए का महीने का इनकम ले सकते हैं मुर्गी पालन मुर्गी पालन मुख्य दो प्रकार से होता है ब्रायलर और देसी लेकिन ब्रायलर की तुलना में देसी मुर्गी पालन में रख रखाव और बीमारियों की शिकायत कम होती है आपको जिस भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट है उस प्रकार के मुर्गी फार्म का अपने एरिया में जाकर फार्मर से अनुभव लें साथ ही बिजनेस की भी जानकारी लें क्योंकि अलग अलग एरिया में मुर्गी के अलग अलग नस्ल का पालन किया जाता है जो कि उस एरिया के अनुकूल होते हैं उत्तर प्रदेश में बरेली के इज्जत नगर में छह दिन का इसका प्रशिक्षण दिया जाता है आप वहां से प्रशिक्षण भी ले सकते हैं जिसका शुल्क कैटेगरी के अनुसार चार सौ से सात सौ तक है साथ ही पशुपालन निदेशालय से भी आप मुर्गी पालन योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर देसी मुर्गी पालन में खर्च की बात करें तो एक देसी मुर्गी के लिए ढाई वर्ग फुट जगह की जरूरत होगी एक चूजा की कीमत पंद्रह से बीस रुपए तक होता है मुर्गी का जो खाना का जो फीड है वो तीस से पचास ग्राम तक होता है चूजा के लिए बीस से तीस ग्राम मुर्गी का वजन एक से दो किलो बढ़ने में चार से पाँच माह का समय लग जाता है देसी मुर्गी को ब्रायलर की तुलना में तीन गुना अधिक रेट पर सेलिंग कर सकते हैं मछली पालन मोदी सरकार ने के में मछली पालन को शामिल कर दिया है जिसमें कि 75 प्रतिशत तक लोन मुहैया कराती हैं साथ ही इसमें कुछ सब्सिडी भी दी जाती है मछली पालन में सालाना खर्चा लगभग पच्चीस हजार रुपये तक आता है जबकि प्रॉफिट की बात करें तो डेढ़ लाख से दो लाख रुपए तक आप इनकम ले सकते हैं मछली की उन्नत किस्में हैं रोहू कतला भाकुर सिल्वर मछली पालन के लिए प्रशिक्षण आप अपने ही जिले के मछली पालन विभाग से ले सकते हैं बकरी पालन बकरी पालन के लिए अनुदान केंद्र से और राज्य से 25 से 33 प्रतिशत तक दिया जाता है एक बकरी के लिए 12 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होगी और बकरी के बच्चे के लिए 8 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होगी दूध या मांस उत्पादन के आधार पर बकरी की नस्ल का पालन करना चाहिए साथ ही अलग अलग एरिया के अलग अलग नस्ल अनुकूल होते हैं बकरी साथ ही सात से बारह महीने में या तैयार हो जाते हैं अधिक बच्चे उत्पादन में सबसे तेज बकरी पालन में ही होता है बकरी की दुधारू हैं सुरती, बरबरी, बर्बरी न्यूबियन और जमुनापरी मांस उत्पादन में इसकी नस्लें हैं मारवाड़ी उस्मानाबादी सिरोही वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस खाद को ही गोबर खाद कहते हैं जिसे छह से सात दिन पुराना गोबर को डेढ़ से दो फीट गड्ढे में सड़ा कर केचुओं की मदद से केचुआ खाद बनाने के प्रोसेस के तहत इसे तैयार किया जाता है जैविक खाद ऑर्गेनिक खाद में सबसे उत्तम वर्मी कंपोस्ट की गिनती होती है यदि आपके पास खुद का एक एकड़ जमीन भी है तो भी आप इस बिजनेस को मात्र दस हजार रूपए की लागत से शुरू कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट को आप फसल की खेती करने वाले सब्जी की खेती करने वाले और फलों की बागवानी करने वाले किसानों को आसानी से सेल कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट की अधिक जानकारी के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है डेयरी बिजनेस इस बिजनेस के लिए दुधारू गाय या भैंस की आवश्यकता होगी जो कम से कम 10 लीटर दूध देना चाहिए गाय या भैंस खरीदने के लिए आप सरकार की इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं 20 से तीस हजार प्रति गाय या भैंस नस्ल के हिसाब से इसका अलग अलग रेट होता है डेयरी बिजनेस के लिए अपने बिजनेस का पंजीकरण के अलावा ट्रेड लाइसेंस और वैट पंजीकरण की भी आवश्यकता होती है इस बिजनेस की शुरुआत आप पाँच से छ गाय या भैंस से भी शुरू कर सकते हैं, जो कि अपने खुद के जमीन पर सेट बनाकर एक से सवा लाख रुपए तक की लागत में शुरू हो जाएगा मुनाफा की बात करें तो पचास रुपए दूध की बिक्री के हिसाब से पचास लीटर दूध के उत्पादन में पच्चीस सौ तक आप पर डे इनकम ले सकते हैं। प्लांट नर्सरी का बिजनेस प्लांट नर्सरी का बिजनेस के लिए आपके पास जमीन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और यदि जमीन रोड किनारे हैं तो आप अच्छी अर्निंग ले सकते हैं यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप मात्र दस हजार रूपए से भी छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस में फ्लावर्स फ्रूट और औषधि पौधा की उन्नत किस्मों की फार्मिंग बीज या पौधे के माध्यम से किया जाता है जिसे पौधा के अनुकूल खाद मिट्टी और वातावरण में ग्रो किया जाता है प्लांट नर्सरी बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है तुलसी की खेती तुलसी एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसकी पत्ती तना फूल सभी उपयोगी होते हैं यदि आपके पास कम जमीन है तो भी आप तुलसी की खेती से अच्छा इनकम ले सकते हैं तुलसी की खेती बीज के द्वारा किया जाता है जो कि तुलसी की खेती करने वाले फार्मर के अलावा बीज भंडार से भी आप खरीद सकते हैं प्रति एकड़ तुलसी की खेती में अगर खर्चे की बात करें तो पंद्रह हजार के लगभग आता है उत्पादन की बात करें तो बीस से पच्चीस टन प्रति हेक्टेयर तक आता है और इनकम ढाई से तीन लाख रुपए तक आप प्रति एकड़ प्रॉफिट ले सकते हैं सबसे बड़ी खास बात यह है कि तुलसी की खेती लगभग तीन माह में ही तैयार हो जाता है तुलसी की खेती की पूरी जानकारी के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है एलोवेरा की खेती एलोवेरा की खेती में प्रति हेक्टेयर पचास हजार की लागत से दो से तीन लाख रुपए तक कमाई होती है जो कि 20 से पचीस हजार पौधे उगा सकते हैं इस बिजनेस के लिए सरकार से लोन नाबार्ड बैंक से ले सकते हैं साथ ही सब्सिडी भी दिया जाता है लगभग 9 से 11 महीने में एलोवेरा की पहली फसल तैयार हो जाती है दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में कृषि से जुड़े टॉप टेन बिजनेस के बारे में आपको जो जानकारी दिया है वो आपको पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए साथ ही इसी प्रकार का हम बिजनेस से नए नए जानकारी देते रहते हैं और पूरी जानकारी देते हैं यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद